इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग स्टॉक करना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा और उसका उपयोग किस प्रकार होता है सेंटेंस में ये समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया सेंटेंस में वो भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टीचर्स इन्फ्लुएंस यानी शिक्षक का प्रभाव, प्रोटोपिस एस लगा है, इसका मतलब का के की होता है, ठीक है। और इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, यहाँ पे टीचर्स टीचर टीचर मतलब होता है शिक्षक, यहाँ पे क्या होगा शिक्षक का प्रभाव, शिक्षक का प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे इसको ट्रांसलेट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज यानी एक छोटे गांव में, सॉरी टाउन है, यहाँ पे शहर हो गया, ठीक है। एक छोटे शहर में इन मीन्स क्या होता है मैं, ए न्यू टीचर नेम मिस्टर मेहता, एक नया शिक्षक, नेम जिसका नाम क्या था मिस्टर मेहता, यानी मिस्टर मेहता नाम का एक नया शिक्षक एक छोटे से शहर में अराइव मतलब क्या था आया, अराइव मतलब कहते हैं पहुंचना, ठीक है। तो अराइव मतलब क्या पहुंचा, ठीक है। एट ए लोकल स्कूल, एट मतलब स्थान के लिए यानी छोटे जगहों के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, एक स्थानीय गाँव मतलब एक स्थानीय स्कूल में, ठीक है। लोकल मतलब होता है स्थानीय, स्कूल हो गया यानी स्थानीय स्कूल यानी विद्यालय, स्थानीय विद्यालय। ही सॉ उसने देखा, सी का यहां पे क्या सेकेंड फॉर्म है, सी मीन्स होता देखना, सी का मतलब यहां पे देखना होता, ठीक है। सी का सेकेंड फॉर्म सा होता है और इसी का सीन एस डब्ल्यू सीन क्या होता है थर्ड फॉर्म होता है। पोटेंशियल इन एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी में, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी में क्षमता देखा और बिलीव विश्वास हुआ दैट, यहाँ पे लगा दैट का मतलब होता है कि, और विश्वास हुआ कि इस चाइल्ड प्रत्येक बच्चा या फिर हर एक बच्चा कुड अचीव यानी प्राप्त कर सकता है, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, कुड है मतलब क्या सकता, ठीक है। हर एक बच्चा प्राप्त कर सकता था, ठीक है, ग्रेट थिंग्स यानी महान उपलब्धियां, ठीक है। हर एक बच्चा क्या महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, ठीक है। विथ मतलब साथ, राइट इनकरेजमेंट यानी सही प्रोत्साहन, सही प्रोत्साहन से हर एक बच्चा क्या एक अच्छा महान उपलब्धि क्या प्राप्त कर सकता है, ठीक है। वन ऑफ हर स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों में से एक या फिर उनके एक विद्यार्थी ने, विद्यार्थियों में से एक, ठीक है, विद्यार्थियों में से एक जिसका नाम क्या था अनिल, ठीक है, स्ट्रगल विथ हिज स्टडी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष कर रहा था अपनी स्टडी मतलब पाठन या अध्ययन में, संघर्ष कर रहा था, ठीक है। बीत मतलब से साथ, अपनी अच्छी मतलब पढ़ाई, अपनी पढ़ाई में क्या कर रहा था वो स्ट्रगल कर रहा था यानी अपनी पढ़ाई से वो जूझ रहा, कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। और लेक कॉन्फिडेंस और कमी था क्या, ठीक है, लेक कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास,
आत्मविश्वास की कमी देखा। ठीक है, मिस्टर मेहता टुक एक्स्ट्रा टाइम, यानी मिस्टर मेहता जो था टुक मतलब क्या, लेता था। टेक मिस होता है लेना, टेक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, टेक का हो गया क्या टुक, लेता था एक्स्ट्रा टाइम यानी अतिरिक्त समय लेता था हेल्प मदद करने के लिए। ठीक है, हिम यानी उस लड़के की मदद करने के लिए क्या एक्स्ट्रा समय लेता था, और प्रेस्ट और सराहना करता था हिज एफर्ट यानी उसके प्रयासों का। प्रेस मतलब होता है सराहना करना या शाबाशी देना। ठीक है, ग्रेडली धीरे धीरे अनिल परफॉर्मेंस इंप्रूव, यानी अनिल का परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, अनिल के प्रदर्शन में इंप्रूव मतलब क्या होता है, सुधार हुआ। जो पहले स्ट्रगल कर रहा था, नहीं समझ में आ रहा था उसको पढ़ाई लिखाई, उसके परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। और ही बिकेम, वह हो गया वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, अपने क्लास में, इन मतलब होता है मैं, अपने कक्षा के यानी शीर्ष जो विद्यार्थी हैं, यानी जो अच्छे लड़के विद्यार्थी हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ाई जो विद्यार्थी करते हैं, यानी जो बढ़िया पढ़ाकू लड़के जो हैं, उन लड़कों में से वो भी एक क्या आ गया, में से एक। ठीक है, द स्टोरी हाइलाइट्स यानी यह कहानी, यानी कहानी हाईलाइट मतलब क्या, प्रकाश डालती है, या फिर कह सकते हैं कि हाँ लिख देते प्रकाश ही डालती है, हाइलाइट्स का मतलब भी वही होता है, प्रकाश डालती है। ठीक है, यह कहानी प्रकाश डालती है किस चीज़ पे, प्रोफाउंड इम्पैक्ट यानी गहरा प्रभाव। ठीक है, ए डेडिकेटेड टीचर यानी एक समर्पित एक समर्पित शिक्षक का क्या प्रभाव डालती है, कैन हैव ऑन स्टूडेंट्स लाइफ यानी विद्यार्थियों के जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, यानी विद्यार्थियों के जीवन पर एक समर्पित शिक्षक क्या प्रभाव डाल सकती है, यानी गहरा प्रभाव डाल सकती है विद्यार्थियों के जीवन, सकता है। शोइंग दिखाती है, दिखा रही है कि इनकरेजमेंट एंड बिलीव, इनकरेजमेंट मतलब होता है प्रोत्साहन और बिलीव मतलब विश्वास, प्रोत्साहन और विश्वास इन अदर यानी दूसरों पर क्या मतलब क्या सकता है, प्रोत्साहन और विश्वास दूसरों पर सकता है, क्या सकता है, लीड टू रिमार्केबल अचीवमेंट यानी उल्लेखनीय उपलब्धियां। दूसरों पर, ठीक है, प्रोत्साहन यानी दूसरों के जो दूसरे हैं उसके ऊपर प्रोत्साहन और विश्वास से क्या होता है, हमें उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।